एक गांव में एक छोटे से लड़के रहता था। उसके पास एक खुदरा कुत्ता भी था जिसका नाम बालू था। ये छोटा सा कुत्ता उस लड़के का सबसे अच्छा दोस्त था। वे दोनों साथ में हर जगह जाते थे और हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है टेक बास्कर में। दोस्तों, मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। दोस्तों, तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। दोस्तों, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का वीडियो टॉपिक है दोस्तों, AI टूल्स की मदद से कार्टून वीडियो कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, कहानियाँ, एनिमेशन कैसे स्टोरी एडिट की जाती है, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिना स्किप किए देखना। दोस्तों, ऐसे ऐसे टूल्स का उपयोग करने वाले हैं जिससे हमें एनिमेशन स्टोरीज बनाने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि हम स्क्रिप्ट तैयार नहीं कर पाते हैं, तो हमें बनी बनाई स्क्रिप्ट कहाँ से मिलेगी, बने बनाए एनिमेशन कहाँ से मिलेंगे, ये सारा कुछ इस वीडियो से आपको पता चलने वाला है। दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमें दो वेबसाइट की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो वो कौन सी दो वेबसाइट है इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको पता चलने वाला है। दोस्तों, तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से स्टोरी को एडिट किया जाता है, एनिमेशन स्टोरीज किस तरीके से बनाई जाती हैं, कार्टून स्टोरीज किस तरीके से बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, चलते हैं, आपको सिखाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से सीखना, एक एक स्टेप को देखना। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता देना कि ऐसे वीडियो आपको कैसा लगता है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं, सबसे पहले स्क्रिप्ट तैयार करने, क्योंकि कोई भी स्टोरीज अगर हम बनाते हैं या लिखते हैं तो उसके लिए हमें स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो दोस्तों, एक ऐसी वेबसाइट आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको बिल्कुल 2 मिनट में स्क्रिप्ट रेडी मिल जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ChatGPT। ChatGPT एक ऐसा टूल है, एक ऐसी वेबसाइट है जो हमारी मदद करती है इस कोई भी स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, कोई भी टॉपिक के बारे में हमें लिखने के लिए यहाँ पे हमें सारा तैयार मिलता है। दोस्तों, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है omnian.com इंट्रोड्यूसिंग ChatGPT, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमें क्या करना है, यहाँ ChatGPT पे जाना है। ChatGPT पे जाएंगे, जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का पेज खुल कर आएगा। तो इसमें नीचे आपको लिख रहा है, यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट भरना है। प्रॉम्प्ट भरेंगे तो हमें यहाँ पे स्टोरी चाहिए, ए बॉय एंड डॉग स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस कुछ सेकंड मिनटों में आपके सामने एक स्टोरी तैयार होकर सामने आ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से देख सकते हैं कि एक स्क्रिप्ट पूरी तैयार होने लगी है। यहाँ पर एक गांव में एक छोटे से लड़के रहते था, उसके पास एक खुदरा कुत्ता भी था जैसा नाम बालू था। तो दोस्तों, इस तरीके का यहाँ पर स्क्रिप्ट तैयार हो रहा है। दोस्तों, तो ये सब बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आप कोई भी स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं, मिनटों में स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए यहाँ पर स्क्रीनशॉट हमें लेना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। दोस्तों, यहाँ हमारी स्क्रिप्ट तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है दोस्तों, कि इसका हमें PDF कॉपी करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से जाने के बाद दोस्तों, इसको हम पूरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों, सेलेक्ट ऑल कॉपी, कॉपी करने के बाद हमारे मोबाइल पे होता है नोटपैड, नोटपैड पे जाएंगे। नोटपैड पे जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हम इस स्टोरी को कॉपी कर देंगे, इस तरीके से कॉपी कर देंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कॉपी कर दिया है, ये स्टोरी हमारी है, यहाँ पर हमने कॉपी कर दिया है। तो दोस्तों, अब हमारा अगला पॉइंट आता है कि अब हमें क्या करना है आगे। बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग, एक एक पॉइंट को समझना, आप स्टोरी बनाना एकदम आसान आपको लगेगा। दोस्तों, एनिमेशन स्टोरी इसी तरीके से तैयार की जाती है। दोस्तों, कुछ भी समय नहीं लगता है। फिर से हम जाएंगे क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे, न्यू टैब पे जाएंगे। न्यू टैब पे जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हम इस स्टोरी की वॉइस पहले कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे प्ले। दोस्तों, इस वेबसाइट पर आएंगे, 11 Labs पे आएंगे, यहाँ पे स्पीच सिंथेटिक्स पे आप जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं हमें कई तरीके के यहाँ पे वॉइस मिलने वाली है। तो यहाँ पे हमें आना है और यहीं पे पेस्ट कर देना अपने स्क्रिप्ट को और यहाँ से जनरेट कर देना। जैसा कि दोस्तों, मैंने जनरेट करके रखा हुआ है, तो आपको सुना देते हैं किस तरीके की वॉइस आने वाली है। गाँव में एक छोटे से लड़के रहता था, उसके पास एक खुदरा कुत्ता भी था जिसका नाम बालू था। ये छोटा सा कुत्ता उस लड़के का सबसे अच्छा दोस्त था। वे दोनों साथ में हर जगह जाते थे और हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। तो दोस्तों, इस तरीके से स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लेना है।
ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब हम दूसरी स्क्रिप्ट को यहीं से पेस्ट करेंगे और उसको भी यहीं से डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों इसको यहाँ से, दोस्तों आप लोगों को भी इसी तरीके से अपनी पूरी कहानी को यहाँ से वॉइस ओवर कर लेना है। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपको यहाँ से वॉइस अपने आप मिल जाएगी। आपकी स्क्रिप्ट की जैसी भी आपकी स्क्रिप्ट होगी उसी हिसाब से आपको यहाँ से वॉइस मिल जाएगी। दोस्तों इसके बाद हमें यहाँ से जाना है और इसको फिर से कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद दोस्तों यहाँ से जाना है, इसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों हम इसको जनरेट कर देंगे तो हमारी वॉइस रेडी हो जाएगी। एक दिन जब लड़के और बालू जंगल में घूम रहे थे, उन्हें एक जंगली सुंदर लौटा हुआ मिला। यह लौटा दोस्तों इसी तरीके से वॉइस को डाउनलोड कर लेना। अब हमारे दो काम हो गए, एक तो स्क्रिप्ट हमारी कंप्लीट हो गई, वॉइस ओवर भी हो गया। तो अब हमारा बच्चा एनिमेशंस वीडियोस कहाँ से लेना है दोस्तों, तो चलो वो भी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जाएंगे न्यू टैब पर। न्यू टैब पर जाने के बाद यहाँ दोस्तों जैसा कि हम लोग ऑडियो तो रिकॉर्ड कर चुके हैं, ऑडियो हमारी वॉइस ओवर हो चुकी है, तो अब हमें वहाँ से वीडियो लेने हैं। किस तरीके से हम यहाँ से इमेज सर्च करेंगे उसी स्टोरी के हिसाब से। तो दोस्तों लेक्सिका r.art वेबसाइट पर जाएंगे और इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा। तो इसको हम डेस्कटॉप मोड पर कर लेते हैं दोस्तों। जैसे हम डेस्कटॉप मोड पर करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आने वाला है। तो दोस्तों इसको हम साइन अप कर लेते हैं। साइन अप करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद दोस्तों हमारी कुछ वेबसाइट, जो हमारी आईडी है उससे हम इसको साइन अप कर देंगे। जो जीमेल आईडी है उससे हम साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद दोस्तों हमें जनरेट पर जाना है। जैसे हम जनरेट पर जाएंगे दोस्तों इस तरीके से, तो दोस्तों हमें जनरेट कर लेना है। जनरेट पर जाएंगे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इमेजेस आ रही हैं। तो इस तरीके से इमेज आने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम जनरेट पे जाएंगे। जनरेट पे जाने के बाद डिस्क्राइब योर इमेज, तो दोस्तों यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ से हमें नोट पैड पर जाना है। और नोट पैड पर जाने के इमेज यहाँ पे मिलने वाली, जो इमेज आपको पसंद आए उसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस इमेज को थोड़ा सा हमें ये पोर्ट्रेट में आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि ये इसका साइज़ थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ से साइज हमने चेंज कर लिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लेसिका एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप डिस्क्राइब कर देंगे इमेज कैसी चाहिए आपको, तो यहाँ से एनिमेशन इमेज आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से यहाँ से आपको पिक डाउनलोड कर लेना, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आ गई है पिक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छी सी पिक आ चुकी है। तो इसको हम ऐसे यहाँ से जाएंगे और इसको कर देंगे, इसको ऊपर टच करेंगे। टच करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कर देंगे, दोस्तों देख सकते हैं डाउनलोड इमेज करने के बाद डाउनलोड इमेज कर देंगे। दोस्तों इसी तरीके से आपको सारी पिक डाउनलोड कर लेनी है। फिर से जाएंगे तो दोस्तों एक चीज़ और आपको करना है, अगर आपने हिंदी की स्क्रिप्ट है तो उसको ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में, क्योंकि ये लेक्सिका आर्ट जो वेबसाइट है ये इंग्लिश के ही वर्ड को पिक्चर में बदलता है, इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश में करना होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने इसको गूगल से ट्रांसलेट कर लिया है, आपको दिखा देते हैं कि मैंने हिंदी, दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि गूगल से हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया, जो हमारी हिंदी की स्क्रिप्ट थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड लेक्सिका लेता है इसलिए इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। पेस्ट करते रहना है और पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको इस जगह से पेस्ट करने के बाद जनरेट कर देना है, तो यहाँ पर आपको पिक्चर बनके आ जाएगी आपकी स्टोरी की। तो दोस्तों इसी जगह से आपको फोटोज़ को डाउनलोड कर लेना, बस इतना सा काम करना। आपको स्टेप बाय स्टेप सारे आपकी स्क्रिप्ट जितनी भी है उसके इमेज को यहाँ से कलेक्ट कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ से कलेक्ट कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर दे रहा है कि दोनों साथ में रहते थे, तो इसलिए यहाँ से पिक को कलेक्ट कर देना है, डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों इसी तरीके से आपको कलेक्ट करना है। मैं अगर पूरी स्टोरीज आपको ऐसे बता रहा हूँ डेमो के लिए, इसलिए मैं दो तीन वीडियोस को कलेक्ट कर लिया है। तो दोस्तों आपको ये भी पता चल गया कि आपको फ़ोटो कहाँ से लेनी है दोस्तों। तो ये हमारे स्टेप हो गए कि हमें स्क्रिप्ट भी मिल गई, वॉइस ओवर भी हो गया, इमेज भी मिल गई। अब बच्चा काम हमारा एडिटिंग का। तो एडिटिंग कैसे करेंगे? तो दोस्तों सभी लोग एडिटिंग टूल्स तो यूज़ करते ही होंगे, काइनमास्टर, वीएन, इनशॉट, जिससे भी आप लोग एडिटिंग करते हैं उस ऐप को आप जाएंगे। जैसे कि मैं काइनमास्टर से ऐप एडिट करता हूँ तो काइनमास्टर पे चला जाता हूँ दोस्तों। कर लिया अपना, यहाँ पे रेशियो नज़र आ रहा है कि हमें वीडियो किस शॉर्ट बनाना है कि लॉन्ग बनाना है। तो हमें लॉन्ग बनाना है तो यूट्यूब का रेशियो हम सेट कर लेंगे 16:9। तो दोस्तों इस पर क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद दोस्तों अगर आ गया है तो अब हम यहाँ से अपनी फ़ोटोज़ को जो मैंने डाउनलोड की है उनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों पहली फ़ोटो ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। तो दोस्तों इस तरीके से फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है मैं बता रहा हूँ। दोस्तों हमारी जो ऑडियो है ऑडियो को ले लेंगे यहाँ से, जैसा जो हमने अभी ऑडियो डाउनलोड की है। टेक्स्ट टू स्पीच पे जाएंगे दोस्तों। जैसा कि हमारा ऑडियो है ये मिल गया है, तो दोस्तों इसको मैंने लगा लिया है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से दोस्तों आएगा। दोस्तों इसको जूम कर देंगे। यहाँ से अब इसको चला के देखते हैं। सकता है कि मैंने दो स्टेप कंप्लीट करके आपको दिखा दिए हैं कि इसी तरीके से आपको एडिट करना है। और आप लोग अच्छे से एडिट करेंगे तो और अच्छे से स्टोरी आप एडिट कर सकते हैं दोस्तों। आपको मैंने डेमो देने के लिए इतना सब बता दिया दोस्तों। तो आपने अगर स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखा होगा दोस्तों तो आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे स्टोरी बनाना, एनिमेशन स्टोरी कैसे बनाए जाते हैं, सारा सब कुछ इसी वीडियो से आप सीख जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको चलाकर वीडियो दिखा देते हैं किस तरीके का ये हमारा वीडियो शो हो रहा है। तो चलते हैं देखते हैं किस तरीके का ये शो हो रहा है दोस्तों। उसके पास एक खुदरा कुत्ता भी था जिसका नाम बालू था। ये छोटा सा कुत्ता उस लड़के का सबसे अच्छा दोस्त था। वे दोनों साथ में हर जगह जाते थे और हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो देख करके आप कुछ सीख पाए होंगे कि एनिमेशन वीडियोस कैसे बनाए जाते हैं, स्टोरीज वीडियोस कैसे बनाए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। दोस्तों चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ तो चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।